हंड्रेड जावा प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक इंटीजर एरे में अपने को यह पता करना है कि वो पर्टिकुलर एरे जो है डुप्लीकेट एलिमेंट को कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस चीज को। तो यहाँ पे नॉर्मल से हमने एक इंटीजर एरे क्रिएट किया और तुम्हें पता करना है कि जो एरे के पास डुप्लीकेट एलिमेंट है कि नहीं, इस चीज को अपने को पता करना है। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको भी प्रॉपर प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा इंटीजर है इसको हम क्या काम करेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली यूज करिए आप एरेज डॉट स्ट्रीम, इसी पर हम अप्लाई करा देंगे और इसके अंदर सिंपली ये एरे को पास कर देंगे। देन यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, बॉक्स को यूज करेंगे। तो ये क्या काम करता है इसके बारे में अभी पूरा कोड डिकोड करके बताऊंगा कि यहाँ पर जो बॉक्स मैंने यूज किया ये क्या काम करेगा इसके बारे में। तो पहले अपने टारगेट को अचीव करते हैं, देन इसको पूरे इस कोड को डिकोड करेंगे। ओके, देन इस पर कलेक्टर लगाएंगे और कलेक्टर की हेल्प से यहाँ पर कलेक्टर्स ले लेंगे और डॉट टू लिस्ट कर देंगे। क्या काम करेगा, सिंपली इसको कलेक्शन की जगह पे हम नहीं कलेक्शन नहीं यूज करना, अपने को कलेक्टर्स यूज करना है, ये वाली कलेक्शन नहीं कलेक्टर यूज करना है। तो यहाँ से अपने को कलेक्टर, ये वाली कलेक्टर लेंगे, डॉट टू लिस्ट दे देंगे यहाँ पर। तो ये क्या काम करेगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर में सिंपली कन्वर्ट करके अपने को दे देगा। यहाँ पर इसको लिस्ट नाम की रिफरेंस वैल्यू में स्टोर करा लेंगे। देन हम क्या काम करें, जो ये लिस्ट है इसको हम किसी सेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम ये जानते हैं कि सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू को वो नहीं स्टोर करता है, यूनिक वैल्यू करता है। तो सपोज कर यहाँ पर कोई वैल्यू डुप्लीकेट रहेगा, जब उसको हम सेट में डालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देन दोनों का साइज चेक करेंगे कि दोनों का साइज इक्वल है। अगर साइज इक्वल नहीं रहेगा इसका मतलब क्या हो कि जो एरे था वो डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेन कर रहा था, जिस कारण से वहाँ से कुछ एलिमेंट रिमूव हो गया, इसलिए यहाँ पर हम सेट को यूज करेंगे। यहाँ पर सिंपली लिखेंगे न्यू और यहाँ से ले लेंगे हम हैश सेट। तो हैश सेट ले लिए और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे इस लिस्ट को। तो इसके लिस्ट पास जो भी एलिमेंट रहेगा वो क्या काम कर देगा, सिंपली हैश सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट रहेगा तो वो यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। देन अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर साइज चेंज कर, दोनों का साइज इक्वल है इट मीन्स एरे पास कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो मतलब एरे पास डुप्लीकेट एलिमेंट था जो कि सेट में रिमूव हो गया। तो इस अपने को पता चल जाएगा, अपना टारगेट यही था कि एरे जो हमारा है वो डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को चेक करना था। तो अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे इफ लिखेंगे और यहाँ देखेंगे लिस्ट डॉट साइज इक्वल टू सेट डॉट साइज देंगे। अगर दोनों का इक्वल साइज जो है आपस में इक्वल है इसका मतलब कि एरे डजंट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलएन और यहाँ पर लिख देंगे सिंपली एरे डजंट कंटेंट डुप्लीकेट वैल्यू। यहाँ पर सिंपली अपने को यहाँ से ऐसा एक मैसेज पास कर देना है। ओके, ये हो गया। एल्स पार्ट एक यहाँ पर डिफाइन करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है इट मीन्स क्या हुआ कि एरे कोई डुप्लीकेट एलिमेंट को क्या, तो इसी पर्टिकुलर लाइन को कॉपी करने कंट्रोल आल्ट डाउन एरो को उसको कॉपी कर लेंगे, नीचे ड्रैग करना है तो आल्ट डाउन से कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे सिंपली का मैसेज होगा एरे कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू और यहाँ पर कंटेंट्स कर देंगे ओके डजंट कंटेन। तो इतना अपने को काम करना है। तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, एरे डजंट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। देखिए इसमें देखिए कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, लेकिन जब भी मैं इसको सिक्स कर दूंगा तो उस पर्टिकुलर एरे में सिक्स जो है टू टाइम्स यहाँ पर है, तो मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर अपने को मैसेज आना चाहिए एरे कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू करके। तो सिंपली अगेन रन है जावा प्रोग्राम पर हम हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने आउटपुट को। देखिए एरे कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू मेंशन यहाँ पर कर दिया। अब एक चीज़ अपने को फाइंड आउट करना है क्या कि यहाँ पर जो हमने इस पर्टिकुलर लाइन लिखा इसका मीनिंग क्या है, इस चीज़ को मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ। ओके, तो सिंपली इसको कॉपी करता हूँ दोनों लाइन को और उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन इस चीज़ को आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर बॉक्स का क्यों यूज किया था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चीज आपको बताता हूँ, ये क्या है, इंट एरे टाइप है, इंट एरे टाइप है, इंटीजर एरे टाइप है, इंट है, इट मीन्स प्रिमिटिव डाटा टाइप है। और हम जानते हैं स्ट्रीम हम किस पे अप्लाई कराते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी प्रिमिटिव टाइप डाटा पे नहीं चला सकता। जब इसको अगर मैं एक लोकल वेरिएबल स्टोर करूँ, देखिए इंट स्ट्रीम में स्टोर करेगा, इंट स्ट्रीम में कर रहा है, इंट स्ट्रीम में। अभी अपने को इंट स्ट्रीम नहीं चाहिए, अपने को चाहिए स्ट्रीम ऑफ इंटीजर चाहिए। ऑब्जेक्ट पे ही हम किसी और जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑब्जेक्ट पे करते हैं, प्रिमिटिव टाइप पर नहीं करते हैं। तो उसी प्रिमिटिव को हम किसी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम बॉक्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बॉक्स दे दूँ तो आप देखिए अगर कंट्रोल वन से लोकल वेरिएबल में स्टोर करूँ तो देखिए यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, इसने क्या काम किया, उस इंट को स्ट्रीम ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया रैपर करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास में। और रैपर क्लास में कन्वर्ट करने के बाद हम सिंपली कलेक्टर डॉट
कलेक्शन करके टू लिस्ट में स्टोर करा ली इस पर्टिकुलर चीज को, स्ट्रीम ऑफ को, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ इंटीजर को हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इतने लाइन की हेल्प से। इसलिए यहाँ पर हमने बॉक्स को यूज किया था। बॉक्स यूज क्यों किया था, क्योंकि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं ये वाले, वो ऑब्जेक्ट पर होता है। जो ये जो हम कलेक्शन और बॉक्स उस लगा रहे हैं, स्ट्रीम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जावाइट में, वो हम प्रिमिटिव टाइप पे नहीं, कभी भी आपके लिए ऑब्जेक्ट टाइप पर है। इसलिए उसको ये प्रिमिटिव टाइप हमारा इंट एरे था, उसको प्रिमिटिव से रेपर क्लास में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने बॉक्स को यूज किया था। आई होप आपको इस होल कॉन्सेप्ट का वीडियो समझ आया होगा।